नमस्कार दोस्तों, ओल्डी सिंफो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत अच्छा एक नया प्रोडक्ट जो दोस्तों हर घर की जरूरत है। दोस्तों इस प्रोडक्ट को दोस्तों हर घर में आप यूज कर सकते हो और ये दोस्तों बहुत ही अच्छा एक रोटरी हैम ड्रिल मशीन है और इसका दोस्तों मैं पूरा आपको टेस्ट दिखाऊंगा कि किस तरह से दोस्तों इसे हम यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं दोस्तों अपने देश का बना हुआ नंबर वन एक नंबर प्रोडक्ट है और ये बिल्ड स्किल के नाम से दोस्तों इसे मैंने परचेज किया है और इसका मैं आपको पूरा टेस्ट दिखाऊंगा कि ये किस तरह का मशीन है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये बॉक्स आता है और कैसा ये मशीन है। तो दोस्तों वीडियो से आप बनते रहिए। यहाँ देखिए दोस्तों पैकेट को मैंने खोल लिया है। ये बहुत ही अच्छा बिल्ड स्किल के नाम से रोटरी हैमर ड्रिल मशीन है और इसकी दोस्तों मैं आपको टेस्ट करूंगा क्योंकि दोस्तों काफी लोग कहते थे कि आप एक अच्छा हैमर मशीन बताओ जो हमें डीटीएच फिटिंग के लिए, घर के फिटिंग के लिए, घर के यूज के लिए दोस्तों हम इसे यूज करने के लिए। दोस्तों ये मैंने आपके लिए दोस्तों एक रोटरी हैमर मशीन का वीडियो लेके आया हूँ और दोस्तों वीडियो आप इसे लाइक करना क्योंकि दोस्तों मैं इसका पूरा टेस्ट दिखाऊंगा कि ये किस तरह का रोटरी हैमर मशीन है, कितना पावरफुल है और सबसे बड़ी बात है हमारे देश का बना हुआ सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर जो भी है सामान मैं आपको निकालता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों हैंडल है पकड़ने का और प्लास्टिक बॉडी में टूल किट बैग टाइप में है और यहाँ इसका लॉक सिस्टम है और ये देखिए मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या सामान मिला है। यहाँ देखिए दोस्तों हमें एक यूजर गाइड मिलती है। इस यूजर गाइड में दोस्तों सारे ऑप्शन है कि किस तरह से हम इसे ऑपरेट किए जा सकते हैं, कितने तरह के इसमें बिट हम लगाए जा सकते हैं। और यहाँ मुझे दोस्तों ये एक बिट का टूल किट मिलता है और इस बिट के टूल किट में दोस्तों हम देखते हैं कितने बिट हमें यहाँ मिलते हैं क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको इसका पूरा लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह का। यहाँ देखिए दोस्तों हमें यहाँ तीन बिट मिलते हैं, एक दोस्तों 6 mm, एक 8 mm, एक 10 mm, यानी तीन बिट हमें हैमर ड्रिल मशीन के मिलते हैं, तीन साइज की। बहुत ही अच्छे बिट है और अच्छी क्वालिटी के हैं। तो यहाँ इनको हम रख देंगे और इसके बाद में दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये एक रोड निकलती है जो दोस्तों लेवल रोड होती है और ये आपकी जो ड्रिल हैमर मशीन होती है इसमें दोस्तों ये लगाई जाती है और इसे हम कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा सेटअप करके बताऊंगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। यहां आप देख सकते हो दोस्तों बहुत अच्छी, बहुत हल्की और इतना भारी भी नहीं है दोस्तों, ज़्यादा है भारी हैमर मशीन में दोस्तों आपका बैग फटने का भी चांस रहता है। और यहाँ दोस्तों पावर लीड की बात करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी ये पावर लीड है और अच्छी क्वालिटी का ये है। और यहाँ आप देख सकते हो अपने देश का बना हुआ बिल्ड स्किल के नाम से है और पूरा दिया गया है। और यहाँ जो दोस्तों इसके यहाँ आप देख सकते हो कि एक आपका हैमर मशीन बना सकते हो, एक इसी से आप ड्रिल मशीन बना सकते हो। जैसे आप स्लो में ड्रिल बनाते हो तो छोटा ड्रिल के उपयोग में भी काम करेगा। यहाँ दोस्तों 25 mm तक का आप चक लगा सकते हो, ये चक साइज है और ये हैंडल है, इससे आप खोल के हटा भी सकते हो और इसे आप ये पकड़ने के लिए अभी मैं आपको पूरा सेटअप करके पूरा छेद करके पूरा दिखाऊंगा। दोस्तों ये वाला बटन है, ये बहुत अच्छा बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है। और यहाँ एक कंट्रोल स्पीड कंट्रोल, यानी अगर आप एक ही जगह स्पीड को चलाना चाहते हो बिना बटन दबाए तो आप इसे बटन को दबा के इसे प्रेस कर दो तो ये चालू रहेगी, बंद नहीं होगी जब तक आप इसे बंद नहीं करोगे। और यहाँ दोस्तों ये जो बटन है ये रिवर्स फॉरवर्ड का बटन है, जैसे आप बोल्ट कसते हो तो दोस्तों बोल्ट को आप कस भी सकते हो, खोल भी सकते हो। तो ये बटन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। यहाँ बात करते हैं दोस्तों मॉडल इस मशीन का, दोस्तों मैं आपको मॉडल बता रहा हूँ कि कितने कौन सा मॉडल है। यहाँ दोस्तों BGBH20RE, ये दोस्तों बहुत अच्छा मॉडल है और सबसे बेस्ट मॉडल है। 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज और 800 वाट है और इसका 0 से 850 RPM है RMM। और ये 20 mm वाला दोस्तों हैमर रोटरी ड्रिल मशीन है और बहुत अच्छा है। और इसका दोस्तों मैं आपको चलिए टेस्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। और मैन होता है दोस्तों इस रोड का, ये रोड दोस्तों इस जगह लगाने का काम में आती है। इसमें दोस्तों आपको ये रहेगा, यहाँ से आप इसे खोल सकते हो। जैसे मान लो आपका बिट, आपको कितना बड़ा होल करना है उसी होल के हिसाब से दोस्तों इसमें साइज दी गई है कि आपको कितनी साइज में होल करना है। जैसे मान लो मुझे इतना सी होल करना है, बिट मेरे पास बहुत बड़ा है तो आप इसको यहाँ फिट करोगे ना, मैं आपको आपको करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने लगा ली, अभी मान लो मुझे इतना ही होल करना है तो यहाँ मैं जो मेरा बिट है इसको यहाँ कर दूंगा और इसमें जो बिट है वो मैं लगा देता हूँ और मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके बताता हूँ। और इसे बिट लगाने के लिए दोस्तों आपको इसे दबाना होगा। ये देखिए आप इसे दबाओगे तो ये बिट लगेगा, ये बिट हमारा लग चुका है। अब ये मान लो मुझे इतना ही होल करना है, इतना साइज में करना है,
तो आप इसे नीचा कर दो और आपका इतना ही इस लेवल पे ही होल होगा। ये देखिए इस लेवल पे ही होल होगा। अब आप इसे थोड़ा कस दीजिए ताकि आपका इधर उधर हिलेगा नहीं। अब मैं आपको पूरा टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम दीवार में होल करते हैं और ये हमारा किस तरह से काम में आता। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए ताकि दोस्तों मुझे आपकी एक लाइक से भी दोस्तों बहुत खुशी होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग दोस्तों अच्छे मुझे वीडियो से लाइक करते रहे और दोस्तों मैं आपके लिए अच्छे अच्छे जो सामान है और इसके सेटिंग है उनकी वीडियो में लाता रहूं, क्योंकि दोस्तों आपकी खुशी मेरी खुशी है। तो चलिए मैं इसका पूरा टेस्ट करके आपको दिखाता हूं। यहां देखिए दोस्तों टेस्ट के लिए मैं दीवार पे आ चुका हूं और ईंटों की दीवार में दोस्तों हम छेद करेंगे और यहां आप इस लेवल देख सकते हो हमें छेद इतना करना है। तो दोस्तों इतना ही छेद होगा। अगर आपके पास बड़ा बिट है छोटा बिट है तो दोस्तों आप इस रोड का इस्तेमाल करें। अब ये हमारे पास दीवार है, इसका मैं आपको पूरा टेस्ट दिखाता हूं। और ये दोस्तों हैमर है और यहां इसको घुमाओगे तो दोस्तों ये ड्रिल मशीन बन गई और यहां आप इसे ऐसे करोगे तो ये रिवर्स फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसका टेस्ट मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत अच्छा इंडिया का बना हुआ हमारा देश का बना हुआ रोटरी हैमर मशीन। तो चलिए दोस्तों यहां हम इसे छेद करते हैं। ये देखिए दोस्तों इस जगह हम पूरा प्रॉपर करके दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए अब ये देखिए दोस्तों यहाँ जो लेवल है उसी लेवल पे दोस्तों हमारा रोटरी ड्रिल मशीन का छेद हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों इस जगह हमने पूरा छेद कर दिया। तो इस रोड का मतलब है दोस्तों इतना लेवल जितना आपको छेद करना है उतना ही आप इसे छेद करें। और ये दोस्तों सबसे सस्ता और सबसे हल्का वेट में भी कम है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये रोटरी हैमर मशीन है तो दोस्तों बहुत अच्छा है। और इसे दोस्तों हम घरेलू यूज के लिए ले सकते हैं और डीटीएच फिटिंग के लिए ले सकते हैं। और दोस्तों अच्छी बात है कि हमारे भारत का बना हुआ हमारे इंडिया का बना हुआ अगर हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों हमारे देश की भी तरक्की होगी और हमारी भी तरक्की होगी, क्योंकि दोस्तों ये हमारा देश का बना हुआ नंबर वन प्रोडक्ट है। और इसका दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले।